अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे किचन में। आज हम बनाएंगे फेमस बम्बे बिरयानी। तो उसके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो देख सकते हैं, उसके लिए हमने तेल लिए है, गर्म हो चुका है। तो देख सकते हैं गाइस, हमने सबसे पहले बिरयास्ते को हमने सबसे पहले बनाना है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे फेमस बम्बे बिरयानी बनाने का तरीका। तो आज हम बिरयास्ते को सबसे पहले हम इसे भून लेंगे। जब तक बिरयास्ता हमें भुना रहा है, तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, हम तब तक हमारा बिरयास्ते तब तक भुन रहे हैं, तब तक हम मसाले रेडी कर ले रहे हैं। तो ये देखिए, हम टमाटर 3 पेस्ट हमने बना लिए हैं, और कूटी हुई हरी मिर्च 2-3-4 है। अब तीखा खाएंगे तो ज़्यादा यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं आप। और भर भर के हमें अदरक और लहसुन लेना है। 3 चम्मच हमारा अदरक लहसुन जाएगा और 2 चम्मच लहसुन पेस्ट जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस, 2 चम्मच हमारा गया लहसुन के पेस्ट, और 2 चम्मच हमारा नारियल का मुरादा गया आ रहा है। अब देख सकते हैं, घर में होममेड है, घर में होममेड हम बनाए हैं, मार्केट में भी मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं गाइस, हम मसाला रेडी कर रहे हैं। और आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगी कि क्या क्या मसाले लगेंगे। तो 1 चम्मच हमारे हल्दी जा रहे हैं, और 1 चम्मच कसूरी लाल मिर्च, 1 चम्मच तीखा रेड चिली पाउडर, और 1 चम्मच जीरा पाउडर, और 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो ये देखिए गाइस, हमारे मसाले इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं, इस तरह का अच्छे से मसालों को हम रेडी कर लेंगे। तब तक हमारे बिरयास्ते तैयार हो रहे हैं। और बिरयानी के लिए सामान पहले से ही रेडी रखे रहते हैं, बनाना पड़ता है गाइस। तो आज मैं पहले से ही बना के रखी रहती हूँ और तैयार कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, बनाते जा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगी मैं फेमस बम्बे बिरयानी बनाने का तरीका। तो आज हम बताते जाएंगे। और देख सकते हैं गाइस, हमारा बिरयास्ता भी रेडी हो चुका है, हमने निकाल लिए हैं, और मसाला भी हमने रेडी कर चुके हैं। और थोड़े से और मसाला ऐड करना है उसमें, और हमें मसाला क्या क्या लगेगा हम बताते जाएंगे आज हम बिरयानी में। तो देख सकते हैं गाइस, हमने मसाले भूल गए थे बताने के लिए, तो 2-3 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला। होममेड है, हम घर में बनाए हैं बिरयानी मसाला। और थोड़ी सी जाएगी चाट मसाला पाउडर, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, हमने बिरयास्ते निकाल लिए हैं हांडी से, और इसमें हमारा तेल भी बच गया है, रिफाइंड ऑयल, और हम इसमें घी ऐड करेंगे, देख सकते हैं आप। तो इसमें इसी में जो बचा हुआ तेल हमारा है, उसी में हम घी भी ऐड करेंगे, देखें 2 चम्मच भर भर का, अब जितना खाना पसंद करेंगे तो इसी हिसाब से। और बाद में भी जाएगा घी हमारा, तो इसमें हम जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस, थोड़ी सी खड़े मसाले हैं, साबुत मसाले, तो तेज़पत्ते रखे हैं 2-4, और छोटी इलायची है, और जावित्री है, और बड़ी इलायची है, और दालचीनी है, और लौंग है 2-3-4, और थोड़ी सी काली मिर्च, और थोड़ी सी जीरा। अब देख सकते हैं, इसमें हमारा तेल गर्म हो जाएगा, तो उसमें हम ऐड कर लेंगे एक ही बार। तो देख सकते हैं गाइस, हमारा घी गर्म हो चुका है, और हम खड़े मसाले हैं, साबुत मसाले, तो इसमें हम जितना मेरा आपका मसाला है देख सकते हैं आप, उतना हम इसमें ऐड कर दिया घी में, और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस, हमारा मसाला चटक गया है, इसमें हम जा रहे हैं मसाला हमारा, जो हमने मसाला रेड किए थे, देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमने मसाला ऐड कर दिए हैं, और उसमें जो बचा हुआ जो हमारा है जार, उसमें हम अच्छे से जो मसाले हैं, जो उसको भी नहीं छोड़ना है, पूरा डाल देना है, अच्छे से पानी थोड़ा सा डाल के, और इस तरह का हमें भूनना है मसाला को। और थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐसा ही साथ में ऐड करना है, ताकि मसाले भुनने में ज़्यादा आसानी हो। ये देख सकते हैं, साथ में ही थोड़ी सी डालेंगे पहले, तो मसाला हमारा भुन रहा है। तो देख सकते हैं गाइस, हमारा 5-6 मिनट हो चुका है, और तेल सेपरेट हो चुके हैं, तो इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। हमने चिकन देसी लिए हैं, अब देख सकते हैं, तो थोड़ा सा पकने में टाइम लगते हैं देसी चिकन। तो अब बॉयलर देसी कुछ भी ले सकते हैं, बट मैं देसी ली हूँ, और फेमस बॉम्बे चिकन बना रही हूँ, बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी बना रही हूँ। तो उसके लिए हमें चिकन बिरयानी
देसी चिकन लिए हैं। सकते हैं गाइस, हमने मसाला भून गया था, 5 से 6 मिनट हो चुका था, तो हमने चिकन को ऐड कर लिए हैं। देख सकते हैं इस तरह का अच्छे से हमें भुनेंगे चिकन। हमने चिकन देसी लिए हैं और बॉम्बे चिकन बनाने में थोड़े से बॉयलर भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी चॉइस, बट मेरा मैं देसी ली हूँ, देख सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे फेमस बॉम्बे चिकन बिरयानी। गाइस, हमारा 5 मिनट पकते हुए चिकन हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे बिरस्ते जो हमने बनाए थे सबसे पहले, तो आधा हमने रख दिया है, उसमें बाद में यूज करेंगे, हम बताएंगे कैसे करना है। और थोड़ी सी आधा से ज़्यादा हमने बिरस्ते ऐड करना है अभी ही, देख सकते हैं। इसे अच्छे से चलाएंगे, मिक्स करेंगे। देखते हैं गाइस, थोड़ी सी ऐड करेंगे हम पुदीना पत्ती, देख सकते हैं, और थोड़ी सी धनिया पत्ती। गाइस, चावल पकाने के लिए हमने पानी उबाल लिए हैं, चावल अलग से पकाएंगे, और थोड़ी सी डालेंगे जीरा और 2 इलायची और बड़ी इलायची है, वादिया फूल नहीं था तो हम बड़ी इलायची डालें उसी जगह पे, एक ही काम करता है गाइस दोनों। और थोड़ी सी नाम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, हम इसे चावल पकाने के लिए अलग से। तो देख सकते हैं गाइस, हमने दावत के चावल लिए हैं बासमती राइस, अब देख सकते हैं। तो इसे हम 1.5 घंटे के लिए भिगो के अच्छे से धो के फ्रेशली छोड़ दिए थे। तो इसमें थोड़ी सी उबल रहा हमारा पानी, मसाला ऐड हुआ, तो हम इसमें तेल ऐड करेंगे थोड़ी सी, ताकि हमारे चावल के अच्छे से खिले खिले बने, आप देख सकते हैं। तो देखिए हमारा पानी अच्छे से खोल रहा है, देख सकते हैं उबाल आ रहा है, तो हमने चावल ऐड करना है। तो देख सकते हैं गाइस, हम 1.5 घंटे चावल में भिगो दिए थे, तो देखिए कितना लंबे लंबे खिले खिले बने हैं, देख सकते हैं। इसी तरह हमने ज़्यादा चावल नहीं लिए थे, हमने 1/2 kg चावल लिए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह का। और हमारा परिवार कम है तो हम चावल कम लिए हैं क्वान्टिटी में, आप देख सकते हैं गाइस, हमने पूरे चावल को ऐड कर लिए हैं। इसे अच्छे से पकाएंगे, हमें पकाना है और हम इसे पानी से निकालना है, आप देख सकते हैं इस तरह का। और देख सकते हैं गाइस, हमने 1/2 घंटा हमने भिगो के छोड़ा था, तो देख सकते हैं लंबे लंबे बन गए हैं, और बनने के बाद और खिले खिले बनेंगे। और इसमें जरूरी ट्रिक है कि हम इसमें ऑयल डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से खिले खिले बनते हैं, देख सकते हैं। तो हम 1/2 kg की हम बिरयानी बना रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारा चिकन पक चुका है अच्छे से, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। इसमें हम चावल जो पकाए थे इसमें हम ऐड करेंगे दम करने के लिए, इसमें हम थोड़ी सी एक कप से पानी डाल रहे हैं अंदर, ताकि हमारे जितने अच्छे से खिले खिले हमारे चावल बने हैं, देखें देख सकते हैं गाइस, जो हमारा बिरस्ते बचे थे। तो मेरा चावल हाफ पकाना है आपको, और हाफ हमारा दम हो जाएगा इसमें, तो इस तरह के हमें करना है दम, बिल्कुल एक लेयर लगा लेना है हमें। और चावल को अच्छे से हम छान लिए हैं पका के, आधा हाफ तो देखे ये बिरस्ते के हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं, इसे डाल दिए हैं और अच्छे से लगाएंगे पूरे बिरस्ते को। जो हमारे बिरस्ते जो बचे थे आधा जो बताए थे हमने, उसी बिरस्ते के हमने यूज किए हैं इसमें। और थोड़ी सी कटी हुई इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बाकी अंदर भी यूज़ किए हैं धनिया पत्ती और ऊपर भी, और ऐड करना है थोड़ा सा डालना है। इसे अच्छे से लगा लेंगे धनिया को और हम इसे कवर कर लेंगे 1 मिनट के लिए। और देख सकते हैं हम तावा इस पर रखें, कुछ पुराने तावे हैं उस पर रखे हैं, और इस तरह के रखें, डायरेक्ट नहीं रखना है हांडी को, इस पर रखेंगे उसे अच्छे से कवर कर लेंगे, ये देखें। और देखें हमने कलर फूड डाले 1 मिनट में, और थोड़ी सी केवड़ा वाटर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन केवड़ा वाटर नहीं डाले हैं, गुलाब जल हमने डाले हैं, और थोड़ी सी चुका है, दम हो चुका है, देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा गाइस, आप ऊपर मोटा पतीला ही कुछ अच्छे से हमने डाल के कवर कर लेना है, हमने नहीं डाले हैं गुलाब, देख सकते हैं वाटर डाले हैं हमने, देख सकते हैं इसे अच्छे से कवर कर लेंगे, और ऊपर हम कुछ पनीर रखेंगे, जैसे कि पेपर बिरयानी दम हो चुका है, आप अच्छे से कवर कर लेंगे और उसे अच्छे से ढक देंगे। हम चाहे तो दिखाते हैं इसे 5 मिनट बाद हम दिखाते हैं, देखते सकते हैं कितना अच्छा फ्लेवर आया है, कितना अच्छा कलर दिख रहा है गाइस, देख सकते हैं गाइस, हमारा पूरा किचन महक रहा है, आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग घर में पूरा फैमिली है तो आप पूरा एंजॉय कीजिए, मेरे बनाइए बिरयानी फेमस
फेमस मुंबई बिरयानी, और इंजॉय कीजिए आप लोग भी। एक बार तो इंजॉय करना चाहिए गाइस। अब देखिए बनाइए, इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे ऊपर से देसी घी, पहले भी डाल चुके हैं बट थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे और देसी घी, ताकि अंदर जाए और ज़्यादा अच्छे से फ्लेवर आए। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं गाइस, एक चम्मच हमने डाले और 5 मिनट के बाद हम इसे अच्छे से फिल कवर करके और दिखाते हैं हम। देखते हैं गाइस, 5 मिनट हमारा हो चुका है, तो इसे अच्छे से करेंगे। देखें इस तरह का, देखें इस तरह का किनारे किनारे करेंगे, देखें ताकि मिक्स हो। देखें इस तरह के, बहुत माशाल्लाह, देखें कितना अच्छा खुशबू आ रहा है और कितना अच्छा मेरा बिरयानी रेडी हुआ है। देखें और इसे हम निकालेंगे और सर्व करेंगे। देखें तो देख सकते हैं गाइस, माशाल्लाह देखिए कितना सुंदर बेहतरीन मेरा बिरयानी रेडी हुआ है। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी आया है। आप एक बार पूरे फैमिली एंजॉय ज़रूर कीजिए। और गाइस ये फेमस बिरयानी, फेमस बॉम्बे बिरयानी के लिए लाइन लगे रहते हैं गाइस, लंबे लंबे लाइन लगे रहते हैं। आप ज़रूर एक बार बनाए और इन्जॉय कीजिए। देख सकते हैं आप कितने अच्छे खिले खिले मेरे चावल बने हैं, देखें इस तरह का। तो हम सर्व करके दिखा रहे हैं, तो देख सकते हैं गाइस हमने बिरयानी सर्व कर चुके हैं। तो प्याज के लच्छे के साथ आप इंजॉय कीजिए इस तरह का फेमस मुंबई बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी। तो आप देख सकते हैं इसके लिए लाइन लगे रहते हैं लंबे लंबे। और देख सकते हैं गाइस, आप पूरे फैमिली घर में हैं तो आप इंजॉय कीजिए पूरे फैमिली के साथ बिरयानी, फेमस बिरयानी मुंबई। तो ये देख सकते हैं इस तरह का, प्याज के लच्छे के साथ आप इंजॉय कीजिए और रायता के साथ। देख सकते हैं इस तरह का हमने बनाया है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन से प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।